से भक्त लोग डांस कर रही है राधे कृष्णा के नाम पे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल हम मथुरा में हैं और ये बरसाना गांव है जहां पे हम अभी फिलहाल खड़े हैं, जो कि राधा रानी का गांव है। तो इस गांव में आज आए हैं राधा रानी की महल देखने के लिए और इस गांव में विजिट करेंगे, देखेंगे गांव, राधा रानी का जो गांव है किस तरह का गांव है। पूरे बरसाना गांव घूमने की कोशिश करेंगे और यहां का जो राधा जी का जो बिल्डिंग है, महल है, उस महल को दिखाएंगे। तो हमारे इस ब्लॉग पे आज बने रहिए और देखते रहिए किस तरह की राधा रानी का महल था और राधा रानी का गाँव कैसा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ले चलेंगे आपको कृष्ण भगवान का गाँव। तो अभी चलते हैं राधा रानी के महल में। तो यही रास्ता है जो अभी राधा रानी के महल की तरफ ले जाएगा हम लोग को, तो इसी रास्ते से चलते हैं। और जो आगे का देख रहे हैं बिल्डिंग जो दिख रहा है, बिल्कुल मंदिर की मंदिर है और जो लाइटिंग वगैरह चल रहा है वही है राधा रानी का महल। तो उसी महल में चलते हैं। तो ये तो खास करके यही रास्ता है जिससे रास्ते से हम अभी राधा रानी का महल जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का इसमें क्या है, कैसा यहाँ का व्यू है। फल फ्रूट सब्जी वगैरह का दुकान भी है और एक गांव के नाम से ही है, बरसाना गांव है, जान ही रहे हैं आप लोग। दूर से ही शूट कर रहे हैं ये राधा रानी का महल या बोलिए या मंदिर बोलिए, दोनों यही है। तो इसी में भी एंट्री करेंगे और चलेंगे आप लोग को दिखाते हैं पूरा विजिट करके। तो राधा का महल जाने के लिए रास्ता है, गली के द्वारा हम लोग जा रहे हैं, गाँव का एक गली है। तो गली के होते हुए हम लोग निकल रहे हैं बस कहाँ पे, राधा की महल पे। तो यही गली है बरसाने का, इस गली से भी देख सकते हैं बिल्कुल। ये सब जितने भी हैं लोग देख जा रहे हैं वहीं पे राधा रानी के महल में। और ये कितना मतलब कंजेस्टेड गांव का जो गली होता है, बस गांव का गली है, देख सकते हैं भीड़ देखिए कैसा जाम हो गया। ये देखिए भीड़ क्या हुआ, इस गली में कितना भीड़ हो रही है, गली कंजेस्टेड है इस वजह से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखिए इस गली में कितना भीड़ है, जो कि अभी राधा रानी के महल में जाएंगे तो इस तरह के देख सकते हैं भीड़। बिल्कुल गली तो कंजेस्टेड है ही, देख रहे हैं, और बिल्कुल ऊंचाई पे है अब यहाँ से महल में इन करेंगे तो ऊँचाई तो होगा ही, तो बस इसी में। और इसी गली से आने का भी रास्ता और जाने का भी रास्ता, थोड़ा सा चलते रहिए चलते रहिए। तो देखिए ये जो घर है ये अभी राधा रानी का जो दादी और दादाजी यहाँ पे रहा करते थे। और देखिए इस तरह का यहाँ का ये बिल्डिंग बना हुआ भी। और इसके अंदर हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर चल के, देखिए किस तरह का गेट था, दरवाजा है और इस तरह का सीढ़ियाँ हैं जो कि चढ़ने वाला पहले के ही बना हुआ अभी तक। इसी तरह का ये घर है, देख लिए आप, तो देख सकते हैं राधा रानी का जो महल में हम चढ़ रहे हैं कितना ऊंचाई पे है। नीचे देख सकते हैं कितना नीचे से हम लोग आए हैं और उसके बाद थक गए आते आते। इधर देखिए इधर का गांव का सीन दिख रहा है जो बिल्कुल राधा रानी का एक गांव है और बहुत ऊंचाई पे है। देख सकते हैं इनकी जो महल है राधा रानी का और जो मंदिर है ये बहुत सा इस गाँव में बहुत सबसे ऊँचाई पर है। और ले चलते हैं अभी मंदिर में। तो ये सब सारे अभी जो चढ़ रहे हैं ऊपर बिल्कुल राधा रानी मंदिर में ही आएगा और भव्य
भवन में ही आएंगे। और देखिए, और इस गांव जो है बरसाना गांव, यहां से देखिए बरसाना गांव का दृश्य है, किस तरह से बरसाना गांव दिख रहा है, जो कि राधा रानी का ये गांव है। और बिल्कुल ये सब जो था, ये भी जंगल सा, ये महल ही है। महल के अंदर जो टूट गया है कुछ एरिया, उस एरिया का जंगल बना हुआ है। और बरसाना गांव तो देख ही रहे, रात का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इधर साइड से हम दिखा रहे हैं, दूसरे साइड से ये बरसाना गांव का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में भी अभी यहां से दिखाएंगे आपको, जो कि इतना ऊंचा आने के बाद भी, इतना ऊंचाई आने के बाद भी देख सकते हैं इस गांव को, नीचे से दिखने से पता चला होगा कितना ऊंचाई पे है। उसके बाद भी अभी भवन देखिए कितना ऊंचाई पे है, देख सकते हैं राधा रानी का जो महल है कितना ऊंचाई पे, अभी इतना ऊंचा और चढ़ना होगा। तो अभी चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये बैक साइड से हम दिखा रहे हैं जो राधा रानी का महल है, देखिए इस तरह से पीछे से भी दिखा रहे हैं। आगे की ओर चलेंगे, अभी आगे की ओर अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे की ओर लेकर के। लेकिन फिलहाल तो ये जो पीछे की रास्ते से हम दिखा रहे हैं आपको महल, और आगे अब चलते हैं, दिखाते हैं अंदर चल करके किस तरह से महल, और ये इसी में मंदिर बन चुका है राधा रानी को, तो मंदिर दिखाएंगे इसी में। तो देखिए ये आगे से सीन दिख रहा है, जो महल का ये सीन है, आगे से राधा रानी का महल है, ये देखिए किस तरह का है, देख सकते हैं बिल्कुल आगे का सीन दिखा रहे हैं आपको अभी हम। और भी अभी इससे ऊपर चलना होगा, देख सकते हैं ऊपर लोग चल रहे हैं। और इसके आप बाद में इधर साइड में मंदिर भी बनी हुई है, जो कि अभी मंदिर में हम ले चलेंगे आपको। तो यही है जो कि राधा रानी का महल है, मेन रूप से यही महल है। और इस महल को आप देख सकते हैं जो कि बरसाना गाँव है, भक्त लोग डांस कर रही है राधे कृष्णा के नाम पे, माथे पे लेकर के। और ये जो बरसाना गांव है, ये राधा रानी का जो बिल्डिंग है, महल है, कितने गांव के कितने ऊंचाई पे है देख सकते हैं। बिल्कुल ये गांव का व्यू दिख रहा होगा, गांव कितने ऊंचाई पे दिख रहा है, गांव बिल्कुल नीचा है, और इनकी जो महल था कितने ऊंचाई पे है महल पता चल रहा होगा। तो देखिए ये राधा रानी का जो हवेली है किस तरह का था, अंदर से हम इस वीडियो को ले रहे हैं, अंदर से शूट कर रहे हैं, किस तरह का हवेली था ये राधा रानी को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल अंदर में आए हुए हैं, और इसके बाद ऊपर भी इससे कुछ महल है, जो कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर तो फिलहाल मंदिर बना हुआ है, लेकिन ऊपर भी जाएंगे तो ये जो है बहुत अच्छा हॉल टाइप के बना हुआ, और जस्ट हॉल के बाद इधर बरामदा है, बरामदा के बाद उधर से बिल्कुल गाँव ही गाँव दिखता है। देखिए इस तरह की हवेली जो है अंदर से यहाँ से दिख रहा है, तो बहुत तरह का ऐसे ऐसे यहाँ पे रूम बना हुआ था, देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको दिखाएंगे इधर, इधर बिल्कुल मंदिर बना हुआ ऊपर का, जो कि पहले का छत था, अब इसे मंदिर बना लिया गया है। ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ, देखिए कितना मंदिर लग रही है यहाँ पे, और चल रहे हैं हम भी मंदिर की तरफ। ये मंदिर ही नहीं बल्कि महल था, अब फिलहाल इसे मंदिर बना दिया गया, राधा जी का ये महल था मेन रूप से, इसे मंदिर के रूप दे दिया गया है। देखिए कितना भीड़ लगी हुई है, ये देख सकते हैं इधर का, और ये अभी भी इसके बाद ऊपर जाना होगा, कितना बना हुआ किस टाइप का, अभी भी देखिए कितना भीड़ लगी हुई है। इधर का भी देखिए सीन, जो ये महल का सीन है, महल की ओर जाता है, रूम वाला सीन दरवाजे किस तरह से बना हुआ था, इस तरह से बिल्कुल हवेली में हम आ चुके हैं। और ये मंदिर भी है, देख सकते हैं ये देखिए है बना हुआ, गांधी के जन्म यही प्राचीन जन्म स्थान, जय श्री राधे राधे, राधा रानी के माता पिता भाई का दर्शन, सभी यात्री दर्शन करते हैं राधा रानी की प्राचीन। तो राधा रानी का जन्म भूमि है ये, इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पे जन्म हुआ था, ये दिखाइए ये है। फाइनली आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राधा रानी का जो महल है और जन्मभूमि है सारे इस वीडियो में दिखा देने के, और दिखाया भी जहाँ तक के संभव हुआ दोस्तों,
पूरी कोशिश की है कि हम एकदम बारीकी से दिखाएं और बारीकी से दिखाए भी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जय हिंद जय।